इन क्षेत्रों में जहाँ पर कि वार्षिक बरसात 50 सेंटीमीटर से कम होती है, जल संसाधन सीमित होते हैं, वहाँ पर ऐसी हम फलदार वृक्षों का चुनाव करते हैं जिनकी जल मांग बहुत कम होती है, जिसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो करौंदा, आंवला, फालसा, मोरिंगा जिसे हम सहजन भी बोलते हैं, इसके साथ में अनार और अमरूद भी है। इन फलदार वृक्षों को हम लगाते हैं और 3-4 साल में इनमें फलों का आना शुरू हो जाता है, इनकी कैनोपी का काफ़ी विकास हो जाता है। तो इनके बीच में जो जगह होती है, करीब 2 फलदार वृक्षों के बीच की जगह करीब 4 से 5 मीटर की हम रखते हैं, तो इस 5 मीटर की जगह को हम बोलते हैं अलेज या रास्ते। तो इन अलेज में हम फसल विविधीकरण के माध्यम से मौसमी फसलों को समावेश करके और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन मौसमी फसलों का जब चुनाव करते हैं तो हमें ध्यान देखना होगा कि ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कि पूरक का काम करें, उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो आपस में भी और फलदार वृक्षों के साथ भी। इसके लिए हम दलहनी, तिलहनी और सब्जी वाली कुछ फसलों का चुनाव कर सकते हैं। दलहनी फसलों में अगर हम बात करें, जो अभी मानसून का मौसम आने वाला है, बरसात का सीजन आने वाला है, तो अभी हम इस समय खेत तैयार करके जैसी बरसात होती है तो मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मूंग की बुवाई करने के लिए जैसे 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है, और इसकी कुछ किस्में जैसे कि पूसा 9231, पूसा विशाल, विराट, IPM 02-03, ये कुछ ऐसी किस्में हैं, इनको लगाते हैं तो इनकी जो फसल अवधि होती है करीब 55 से 65-70 दिन की होती है और 10 से 12 कुंटल तक आपको पैदावार मिल सकती है। मूंग की अगर बात करें तो बाज़ार में इसका भाव भी अच्छा मिल जाता है, और मूंग साथ में एक दलहनी फसल भी है जो कि नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करती है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और फलदार वृक्ष और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है, आगे चल के उनमें भी फलन अच्छा होता है। इसके साथ में हम लोबिया इसको भी लगा सकते हैं। लोबिया की अगर हम बात करें तो इसमें पूसा सुकोमल, पूसा धारानी बहुत अच्छी किस्में हैं, जिनमें करीब 40-45 दिन में हमको हरी फलियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, जो कि सब्जी के बहुत काम में आती हैं। ये हरी फलियां जो लोबिया की होती है, प्रोटीन में काफ़ी रिच होती हैं और इस वजह से इनका बाज़ार भाव भी अच्छा होता है, और एक क्रॉप से, एक फसल से, लोबिया से करीब 6 से 7 टन तक हरी फलियों का हम उत्पादन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में जैसे जहाँ इन क्षेत्रों में हम ग्वार की फसल को भी लगा सकते हैं। ग्वार को हम कई सारे उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी हरी फलियाँ भी सब्जी के रूप में काम आती हैं। इसमें कुछ जैसे किस्में होती हैं RGC 1002, RGC 1003, ये इनको हम सब्जी के रूप में भी ले सकते हैं और दाने के रूप में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ तिलहनी फसलें जैसे मूंगफली होती है, इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, स्प्रेडिंग टाइप की होती है, कुछ बंच टाइप की होती है, तो मूंगफली का भी हम इसमें समावेश कर सकते हैं। मूंगफली के साथ में सोयाबीन, ये भी एक दलहनी फसल है जो तेल के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। पानी को हम संरक्षित कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं, तो रबी के मौसम में सरसों जो जल्दी पकने वाली किस्में होती हैं, जैसे पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, और आलू भी जैसे कि ये खुपरी चिप्स होना, इनको अगर लगाते हैं तो ये देखा गया है कि 1 हेक्टेयर में किसान भाई 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए नेट इनकम शुद्ध लाभ प्रति हेक्टेयर से कमा सकते हैं।